गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सेवर अल्फा। सो अभी हम निकल रहे हैं एक 3 डे रोड ट्रिप के लिए, जो कि हम कवर करेंगे ऊटी एंड कोटागिरी। और हमारा यहाँ से वन साइड जर्नी रहेगी अप्रॉक्स 350 किलोमीटर्स। तो अभी यहाँ से हम अपने घर से हम निकल रहे हैं प्रभात भाई के यहाँ, और वहाँ से हम निकलेंगे सीधे कोटागिरी के लिए। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, चलते हैं। तो हम लोग अभी प्रभात भाई के यहाँ से निकल चुके हैं। टाइम हुआ है अभी 3:30, और यहाँ से हमको दिखा रहा है अप्रॉक्स 305 किलोमीटर्स, एंड इट इज शोइंग दैट वी माइट कवर इट इन 6 आवर्स एंड 21 मिनट्स। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट वुड टेक। मौसम अच्छा है, लेट्स सी कि बेंगलोर से हम कितनी देर में निकल पाते हैं। पीछे की जनता हमें दिख नहीं रही है, लेकिन अगर कुछ मैसेज हो तो वो पास ऑन कर सकते हैं भाई। देखो, ये लोगों का बिल्कुल मूड नहीं है, सो रहे हैं अभी, पास ऑन सोते कर रहो। दे तो पास हाँ, ऑन तो दिख नहीं रहा है, अंधेरे में दिख नहीं रहा है। चलो तो थोड़ी देर बाद कैचअप करेंगे, अभी सो जाओ आराम से। अभी अपन चल रहे हैं मैसूर एक्सप्रेस वे पे। मुझे अभी तक ऐसा एग्जैक्ट इतना स्मूथ तो नहीं लग रहा है, थोड़ा तो बम्पी है। ये देखो। सुबह के बजे हैं छः, हे और गाइस, हम लोगों ने गुड मॉर्निंग। ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर्स कवर कर लिया है, और ऊटी अभी हमारा बचा है ऑलमोस्ट 114 किलोमीटर्स, और उससे फिर 30 किलोमीटर्स हमारा रह जाएगा कोटागिरी। एक टोल के पास अभी बस चाय के लिए रुके थे, और अभी निकलेंगे यहाँ से। हाँ, क्या है मुद्दा बताओ। मुद्दा में बता रहे थे संजीव भाई को, हम ये बोल रहे थे कि अगर ऐसे ही किसी टोल के बगल में अपने को ऐसे छोटा सा खोपचा मिल जाए दुकान खोलने के लिए, तो फिर क्या बात है। इस बात पे विचार करेंगे अभी। नहीं देखो तो सही, क्या सही है, यहाँ पे मस्त पैसे कमाए हैं। बात तो सही है, देखो चलो फिलहाल अभी निकला जाए। अभी हम लोग फॉरेस्ट एरिया में एंटर कर गए हैं, तो अभी हम लोग अभी स्टिल वी आर ऑन कर्नाटका साइड। तो कर्नाटका साइड वाला एरिया जो है, दैट इज़ नोन एज बंदीपुर टाइगर रिजर्व। और अप्रॉक्स 20 किलोमीटर्स के बाद जो है तमिलनाडु का बॉर्डर लग जाएगा, मतलब तमिलनाडु स्टार्ट हो जाएगा। तो उस साइड का जो एरिया है उसको बोलते हैं मधुमलाई टाइगर रिजर्व। तो ये है स्ट्रेच, टोटल लाइक 40 किलोमीटर्स का स्ट्रेच होगा, और ऊटी यहाँ से अप्रॉक्स 48-50 किलोमीटर्स। तो अभी अपन तमिलनाडु में एंटर कर रहे हैं, कर्नाटक की सीमा यहाँ पर खत्म होती है। नाउ वी आर एंटरिंग तमिलनाडु। आओ आओ, जूम तुम इन भी आओ, करना, तुम भी आओ। सब करने वाले हैं रोड क्रॉस पर। ऐसे नहीं दिखेगा तुमको, बहुत मुश्किल से, और लोगों से तो बिल्कुल दूर रहता है। ये मैंने डॉक्यूमेंट्री में पता था। तो अभी बजे हैं सुबह के 8, और हम लोग रुके हैं ये फॉरेस्ट एरिया में ब्रेकफास्ट करने के लिए। पीछे हमारे यहाँ रेस्टोरेंट। भाई साहब,
बताइए। अच्छा लग रहा है एकदम, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, वरना ये लॉन्ग वीकेंड है तो लॉन्ग वीकेंड के हिसाब से ज़्यादा तो भीड़ ही नहीं भीड़ है, क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि वो है ना तुम्हारा गणेश चतुर्दशी, तो लोग शायद घर पे सेलिब्रेट करने की वजह से नहीं निकले, दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग। ओके okay. लेकिन इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो अभी हम पहुंच गए ऊटी, बजे हैं सुबह के 10, और यहाँ से कोटागिरी रह जाता है 30 किलोमीटर और, तो अगला 1-1.5 घंटा हमको और लगेगा अभी कोटागिरी पहुंचने में। आज का स्टे हमारा उधर ही है, तो ऊटी हम कल आते हैं, आज उधर ही रुकते हैं कोटागिरी। आपके सामने है ये कोटागिरी का टी प्लांटेशन का खूबसूरत नज़ारा, और उसी प्लांटेशन से आई है फ्रेश टी, और एकदम फ्रेश फ्रेश मज़ा आ रहा है। तो टाइम इज़ 11:30 और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं कोटागिरी में, जहां पे हमने अपना ये विला बुक किया था। आपको व्यू दिखाता हूं यहां से, तो यह है मेरा एग्जैक्ट सामने का व्यू, सामने टी गार्डन प्लांटेशन, और इधर है हमारा ये 2 BHK, एक रूम इधर है, एंड देयर वी हैव अ स्मॉल किचन डाइनिंग, एंड देन हियर अनदर रूम। तो गाइस अभी बस हम देख रहे हैं आसपास क्या कौन कौन सी जगह है घूमने को, रात बिल्कुल सोए नहीं थे तो अभी थोड़ा रेस्ट करके अच्छा लग रहा है। नियर बाय एस सच कुछ खास नहीं है घूमने को, ट्री प्लांटेशन है क्योंकि आसपास एक व्यू पॉइंट है कोड़ानाथ व्यू पॉइंट, दैट इज़ लाइक 21 किलोमीटर्स। सो देख के आते उधर कैसा है, आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा कि मुझे क्या अच्छा लगा कोटागिरी या ऊटी, दोनों वैसे डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपको एकदम पीस चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टेड हो आप टी प्लांटेशन में, सो कोटागिरी इज़ बेस्ट, क्योंकि ये ऊटी में तो नहीं दिखेगा मेन सिटी में। बाकी जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो सब मोस्टली ऊटी के पास ही हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है। बट इस पे अपन दोबारा कनेक्ट करते हैं कल, मुझे क्या अच्छा लगा।
अभी जनता जनता जनार्दन अभी तो हम घूमने निकले हैं, हमें मैंने तो ऊटी तीन चार बार घूमा है। ऊटी में मुझे वीकेंड में लगती है खाली भीड़ और कुछ नहीं। तुम्हें तो दुनिया से अलग ही लगता है, जो जो जगह घूमने की होती है वो तुम्हें जगह ही नहीं लगती, तुम तो दूसरे प्लैनेट से आए हो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने वो जगह तीन चार बार एक्सप्लोर कर रखी है, इसीलिए नथिंग एल्स। चलो ठीक है। व्यू पॉइंट और मतलब जबरदस्त व्यू है सामने, ये इधर लेक है। और ये देखो पूरा शायद रिवर लाइन है पूरा, ये बीच में अगर देखोगे वहां से एक पतली सी स्ट्रीम आ रही है, ये पूरा बेहतरीन जबरदस्त वहां पे फॉल भी है वो देखो। हाँ। Thank you.